Hello everyone. So today we are going to Chaivasa Jubilee Park with my friend. तो अभी हम लोग सभी कोई जा रहे हैं और कुछ मेरी फ्रेंड जो है पीछे पीछे आ रही है. हम लोगों ने बहुत वेट भी किया, थोड़ा बहुत मस्ती भी की यहाँ पे, लेकिन सोचे कि अरे यार टाइम भी हो रहा है, जल्दी चलते हैं. तो वो लोग का वेट कर रहे हैं. वो लोग इतना धीरे धीरे आ रही है, वो आपको दिख रही है. सजने संवरने में इतना टाइम लग जाता है इनका. तो फाइनली हम लोग गेट के बाहर आ गए, अभी ऑटो में बैठ गए हैं. अब इन महान हस्तियों को देखो, इनका जगह नहीं हो रहा है. अभी ये लोग यहाँ पर भी झगड़ा लग रहे हैं. वहाँ के ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं, अरे रुको रुको, इतना झगड़ा क्यों कर रही हो, शांत हो जा, कम से कम यहाँ पे तो पछ दो. अब ये मोहतरमा को देखो, ये अपने मेकअप में इतनी बिजी है कि किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है. अब हम लोग पहुँच गए हैं पार्क और हमने ले लिया है 6 टिकट, क्योंकि विदाउट टिकट अंदर घुसने नहीं देते हैं. तो अभी हम लोग ले लिए टिकट, अब चलते हैं अंदर की ओर. आ गए हैं अभी अंदर और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी व्यू है, मैं आपको सारे इस वीडियो में दिखाऊंगी. वोटिंग भी होती है तो शायद हम लोग वोटिंग करने वाले हैं. और मेरी और भी फ्रेंड जो है वो लोग अभी उधर इधर से उधर घूम रही हैं. मुझे तो वोटिंग करने का मन हो गया और मेरी सारी फ्रेंडों को भी. तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा पूछ लेते हैं कि वहाँ पे कैसे लेते हैं वोटिंग का. तो हमने ये दीदी से पूछा, दीदी ने बताया पर पर्सन का 50 रुपीज़ करके. तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, उसके बाद वोटिंग करेंगे. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दो जन आगे की ओर चले गए और जबकि मेरी सारी फ्रेंड पीछे की ओर रह गए. तो हम जाते जाते कुछ कपल्स को देखे, कुछ आंटी लोग थी जो बैठी हुई थी अकेले. तो हम सोचे कि थोड़ा कंपनी दे दे, पर हमें इतना में पता चला कि मेरी सारी फ्रेंड जो है वोटिंग करने के लिए. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा घूम लूँ. मैंने देखा छोटा भीम, मैंने उनकी तरह बनने की कोशिश की पर मेरे से हुआ ही नहीं. तो मैं सेट होके इधर आ गई और मैंने देखा यहाँ पे कितनी सुंदर नज़ारा है. फिर मेरा मन बदल गया और मैं चले गई वोटिंग के लिए. हमने वहाँ पे पैसा पे किया, फिर उसके बाद हम लोग वोटिंग के लिए ड्रेसअप कर लिए हैं. मेरी एक फ्रेंड जो है बहुत डर रही थी क्योंकि वो पानी से डरती है, वोटिंग करने से भी डरती है. फिर हमने जैसा तैसा करके उनको मना लिया और हम लोग अभी वोटिंग के लिए नीचे आ गए हैं. और इनको देखो, यह महान हस्ती डर डर के चल रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि नाव चले जाएगा और वो पता नहीं क्या होगा उसके बाद. हम सभी डरे डरे सहमे सहमे जल्दी जल्दी नाव में चढ़ गए. अब नाव वाले भैया को भी बोलने लगे, भैया आप भी चलो हमारे साथ, मजा आएगा, क्योंकि हमें तो नहीं आती है तैरने भी, अगर कुछ हो जाएगा तो. तो नाव वाले भैया भी सोचे क्यों ना चलो थोड़ा बहुत मैं भी इनके साथ घूम लेता हूँ. तो नाव वाले भैया भी आ गए और हम भी बैठ गए. अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि भैया भी आ गए थे तो हमको डर भी नहीं लग रहा था. कितना मज़ा है और कितना प्यारा नज़ारा भी है. देखो देखो चारों ओर पानी ही पानी. और इनको खींचना था फ़ोटो, मैं इनका वीडियो ले रही थी तो बना रही थी. तो हमने सोचा कि चलो अब इतना ही वोटिंग करते हैं. तो हम लोग वापस रिटर्न आ गए हैं. अभी हमने सोचा कि थोड़े और भी घूम लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का. अभी हम लोग जा रहे हैं पूल की ओर, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है. चलो चलते हैं, आ जाओ, आओ ना यार. तो मैंने आपको बताया था ना कितना अच्छा व्यू है, ये पूल बहुत प्यारा लग रहा है. तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी खींच लूँ, तो मैं वीडियो भी बना लूँ. अब मैं थोड़ा रील्स भी बनाने वाली हूँ तो मैंने कुछ रील्स भी बनाया. देखो मैंने खूब सारे रील्स भी बनाए और बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था और नाइट में तो सबसे प्यारा लग रहा था क्योंकि चारों ओर लाइट भी लगे हुए थे. तो आप लोगों को मैं सोची कि थोड़ा बहुत नाइट का भी व्यू क्यों ना दिखा लो. तो चलो चलते हैं.
क्योंकि आप लोग को देखना है ना यहाँ का व्यू नाइट में कैसी दिखती है, क्योंकि आप लोग ने डे का देखा तो नाइट का देखना तो बनता है ना बस। तो दोस्तों अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट भी हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बाय बाय। अरे बाय तो बोलो।